आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर नगर के भानतलैया सिंधी कैंप पुलिस चौकी के बाजू से देवराज कॉम्प्लेक्स प्रांगण में देवराज सोनकर की स्मृति में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागवताचार्य भगवान आचार्य श्री के मुख्य बिंदु से उपस्थित लोगों को भागवत कथा सुनने को मिल रही है। सोनकर परिवार के आयोजक मिथुन सोनकर ने बताया कि पितृपक्ष के इस शुभ अवसर पर इस भागवत कथा का आयोजन किया गया है, ताकि हमारे साथ साथ क्षेत्र के सभी लोग इस भगवान कथा में उपस्थित हों और पूर्ण लाभ अर्जित कर सकें। मिथुन सोनकर ने बताया कि पितृपक्ष पर भागवत कथा सुनने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही साथ ईश्वर की विशेष कृपा होती है। आयोजकों ने सभी से उपस्थित होकर धर्म लाभ की अपील की है। वहीं भागवत कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पितृपक्ष के पावन पर्व पर श्री देवराज सुंदर जी की पूर्ण समिति कर रहे हैं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। 11 तारीख से 18 तारीख तक भागवत गीता का प्रसार होगा। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुँच के हमें किस स्थान पर हो रही है, कितने दिनों की आयोजन है ये सिंधी के पुलिस चौकी देवराज कॉम्प्लेक्स में हो रही है 11 से 18 तक। पितृपक्ष अमावस्या पर विशेष रूप से की जा रही है ये पापा जी की पूर्ण समिति पर 18 से। राजकुमारी बाई जी की जो गोविंद बुलवाते वही भक्त है। भागवत कथा उद्धव जी मिठन सोनकर आप मुझे ज्ञान दीजिए। बोले मैं ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको संपूर्ण भागवत की कथा तीसरे दिन में आज भगवान जी जानते हैं खाया जाएगा। समीप जाकर के भगवान के 7 दिनों तक चलेगी। 7 दिनों में ध्यान पर सुनने से और सतर पक्ष मुँह पहली भागवत की कथा हो रही है, जिनको नारद बाबा श्रवण कर रहे हैं। सनक सनातन सनातन और सनक आती है वे कथा सुना रहे नारद बाबा नरेंद्र। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।